पैक कर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शहर शहर नगर नगर गांव गांव करिया करिया बस्ती बस्ती जी, मैं बनाता हूं व्लॉग्स अपने यूट्यूब चैनल केएमसी पाकिस्तान व्लॉग के लिए और फेसबुक पेज पर आता हूं लाइव। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ केएमसी पाकिस्तान व्लॉग को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज इसी नाम से है, केएमसी पाकिस्तान व्लॉग के नाम पर, उसको भी जाके फॉलो करें। तो खुशामदीद कहते हैं केएमसी पाकिस्तान व्लॉग में और जनाब ईद की ढेरों ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं आप सबको। तो आप देख सकते हैं हमारे अपने शहर में हम आ चुके हैं, शहर टंडो कैसर हैदराबाद सिंध, जो कि शाही बाज़ार टंडो कैसर है। ईद नमाज़ पढ़ ली, ईद नमाज़ के बाद फौरी तौर पे बच्चों को सैर सकाफ कराने के लिए हम शाही बाज़ार में आ गए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी बेहतरीन बाज़ार है, सुबह के टाइम पर बड़ा रश होता है। अमूमन लोग अपने बच्चों को ईद वाले पहले दिन लेके आते हैं, फिर मौज मस्तियाँ, खिलाना पिलाना, चाट फ्रूट चाट, मिठाइयाँ, हर कोई अपनों के लिए गिफ्ट लेते हैं। और बच्चों के तो खिलौनों की तो क्या बात है भाई, मैं भी अपने बच्चों के साथ आ गया हूँ इस बाज़ार में, तो ये है जी मेन बाज़ार। और फिर आपको घुमाते हैं, सैर करवाते हैं जी हमारे बेहतरीन इस बाज़ार की। तो देख सकते हैं आप मुख्तलिफ जो दुकानें हैं उसके आगे जो खिलौनों की दुकानें सजाई हुई हैं, ये बेहतरीन हमारा बाज़ार है टंडो कैसर का। और अभी सुबह के टाइम पे जैसे ही ईद नमाज हो जाती है तो फिर फौरी तौर पे लोग हैं ना, फिर वो निकल आते हैं अपने बच्चों को घुमाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे बच्चों का तो बच्चों को कोशिश करके ईदी वगैरह दे के बाज़ार से चक्कर लगा के और फिर बंदा है ना फारग फ्री हो जाए, क्योंकि फिर तो फैमिलीज आती हैं, बहनें आती हैं, मतलब जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं फिर उनको टाइम देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मैं भी आ चुका हूँ खिलौनों की बाज़ार में, यही शान होती है जी हमारे शहर की के खिलौनों की बाज़ार ना हो तो मज़ा भी नहीं आता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की रश भी आप देख सकते हैं, बच्चे काफ़ी ख़रीदो फरोख्त में जुड़ चुके हैं। और ये मेरे अपने बच्चे जी, मेरे तीनों बेटियां हैं, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, मेरे लिए ज़रूर दुआएं करें। तो आप देख सकते हैं शाही बाज़ार में, अब मैं बाइक पर चलता हूँ, पहले तो मैंने ऐसे ही बनाई थी वीडियो, लेकिन अब बाइक पर चलते हैं आपको सैर करवाते हैं। ये देखें जी सुबह सुबह के टाइम पे एक तो ये जो छोटे छोटे वो पटाखे हैं ना, इन्होंने हमारा सर का दर्द बना दिया है। अभी यकीन करें लोग है ना टायर के आगे छोड़ देते हैं। बहरहाल ये तो ईद की शान है, तो बच्चों के लिए ये एंजॉयमेंट का ज़रिया होता है। तो आप देख सकते हैं बाज़ार बिल्कुल क्लीन और बेहतरीन और खूबसूरत लग रही है, खिलौनों की बाज़ार है। अब ऐसा ऐसा जैसे जैसे अभी तो 9:30 बजे हैं, तो अभी इतनी ज़्यादा रश है, तो थोड़ी देर के बाद और ज़्यादा हो जाएगी। मैंने बोला थोड़ा बच्चों को घुमा लेते हैं, उसके बाद कहीं पे निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेन बाज़ार में मैं बाइक पे भी जा रहा हूँ और नहायत ही खूबसूरत और बेहतरीन मंज़र हैं। जिन्होंने रोज़े रखे उनको रोज़े मुबारक हो, जिन्होंने जितनी भी इबादत की उन सबको उस चीज़ की मुबारकबाद हो, और ईद के खुसूसी दिन पर अल्लाह ताला उन सब की दुआएं कबूल करें जिन्होंने रोज़े रखे इबादत की। बहरहाल खुश रहें सलामत रहें, ये एक बेहतरीन व्लॉग छोटा सा बनाने की कोशिश की है और ये मेन बाज़ार की बना रहा हूं। तो कोशिश करें अपनों को साथ गिले शिकवे दूर करके ईद पे ना उनको मनाएं और ईद ज़िंदगी में
कई मर्तबा आती है जाती है, लेकिन अपने कभी नहीं भी होते हैं। तो जनाब खुशियों में अपनों को शामिल ज़रूर करें। ईद की खुशियों में आप देख सकते हैं माशाल्लाह खिलौनों की बाज़ार में घूम फिर रहा हूँ मैं भी और व्लॉग भी बना रहा हूँ। तो कोशिश करें अपनों से गिले शिकवे दूर करें और उनको मनाएं और ईद की खुशियों में उनको शरीक करें ताकि आपकी खुशियाँ दोबाला हो जाएँ। और देख सकते हैं ये खिलौने, छोटे छोटे खिलौने के यार, इनकी कदर किया करें, इनके साथ ज़्यादा बहस नहीं किया करें, जितने बोले उतने दे दिए। वैसे तो हम देते नहीं हैं किसी को, लेकिन फिर भी ख़रीद लेते हैं तो ये भी उनके लिए अच्छा होगा। बच्चे बड़े मगन होते हैं ईद के दिन ख़रीदो फरोख्त के लिए। तो बेहतरीन जी व्लॉग, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। एक छोटी सी कोशिश की है कि अपनी बाज़ार की, ईद वाले दिन कहीं नहीं गया था तो अपनी बाज़ार की व्लॉग बना के आपको दिखा दूँ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे चैनल के एमसी पाकिस्तान व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो करें। मैं वहाँ पर भी लाइव आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, फ़नी वीडियोज़ बनाता हूँ, और हमें सपोर्ट करें यार, बड़ी मेहनत करते हैं। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बान, एंजॉय करें इस वीडियो को।